हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू रेडी टू गाइस। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं पेपर बोट कॉन्सेप्ट क्रिएटिव फोटो एडिटिंग। तो गाइस, ये एडिटिंग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव आप देख ही सकते हो। एंड गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज होने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाडी के, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड यार, वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो गाइस, चलिए मैं अदर के वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपने इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सार्ट में ओपन कर लेना है। उसके बाद से गाइस आपने क्या करना है, आपने इसको अब लेके चलना है ड्रॉ टूल में। तो यहाँ पे गाइस हम इसको अपने ड्रॉ टूल में लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ ड्रॉ टूल में आने के बाद सब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड फोटो के ऊपर आपने जाना है और यहाँ से आपने एक पेपर बोट की पीएनजी ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको ऐड कर लेते हैं और फिर क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड पे अभी तक रख देना है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके हम कुछ स्टेप से इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं और इसको एडजस्ट करने के बाद से हम इसे यहाँ से डन करेंगे। और गाइज हम फिर इरेजर पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, साइड साइड में जो हमारे बोर्ड के साइड साइड में ब्लैक ब्लैक एरिया है उसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमने इनको इरेज कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोटो लेयर समझाएंगे और यहाँ से गाइज एक पीएनजी मिलेगी, आपने उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं और इसको ऐड करने के बाद गाइज ये ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा बैकग्राउंड के ऊपर। तब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी बोट को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज इसको ट्रांसफॉर्म करके अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइज हम इसको सेट कर लेते हैं, आप देख लो ये पीएनजी लगाने से ऐसा लग रहा है जैसे गाइज हमारी बोट पानी के अंदर भी है और बाहर भी है, तो कुछ इस टाइप से सही लग रहा है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब दोनों के बीच में एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे, ठीक है। और इस एम्प्टी लेयर को हम यहाँ पे बीच में डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं, जो हमने वाटर पीएनजी यूज़ किया है उसके बीच में हम शैडो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोट और वाटर के बीच में हम शैडो बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी ओपेसिटी गाइज हम रखेंगे 20 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज इसकी ओपेसिटी हम रख लेते हैं और देन यहाँ से इसको अब हम डन कर लेंगे। गाइज इतना काम करने के बाद से आपने अपने ड्रॉ टूल से डन कर लेना है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, मतलब दो तीन लेयर और ऐड कर दोगे तो फिर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डन कर लेंगे और गाइज उसके बाद से हम दोबारा से ड्रॉ टूल के ऊपर जाएंगे और यहाँ ड्रॉ टूल में आने के बाद से अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर ऐड फोटो पर जाना है और यहाँ से गाइज आपने अपने कटआउट को ऐड कर लेना है। तो गाइज अगर आपने कटआउट बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के, जाकर देख कर सीख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और इसको गाइस हम एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। तो गाइस हमने यहाँ पे अपने मॉडल को एकदम अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद से देखिए जो हमारे मॉडल का बारी, मतलब कहीं कहीं छूट जाता है कटआउट में, तो आपने उसको इरेज कर लेना। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद से गाइस आपने शूज को भी इरेज करके, मतलब ऐसे सेट कर लेना जैसे कि ये हमारे बोट के अंदर है। तो यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं और देन यहाँ से इसको अब डन कर लेंगे और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाते हैं और इस एम्प्टी लेयर को हम रख लेंगे अपने मॉडल के नीचे और यहाँ पे हम इसमें भी शैडो थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद से क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को आपने कम कर देना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और फिर आपने इसकी ओपेसिटी को 20 या 30 के आसपास रख लेना है और गाइज उसके बाद से आपने यहाँ से इसको डन कर देना है। और गाइज डन करने के बाद से आपने चले जाना है ऐड फोटो पे और यहाँ से आपको मिल जाएगी एक मून की पीएनजी, तो आपने इसको ऐड करना है और इसका ब्लेंडिंग मोड गाइज आपने चेंज करके स्क्रीन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद से इसको राइट साइड में ऊपर की तरफ आपने इसको लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पर लगा देते हैं और देन यहाँ से इसको आप डन कर लेंगे और उसके बाद से गाइज हम फिर जाएंगे ऐड फोटो पे और यहाँ पे आपको मिलेगी बर्ड्स की पीएनजी, ठीक है। तो आपने इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है और फिर यहाँ पे आपने एक लगा देना है और यहाँ एक ऊपर के साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं और गाइज आपने दोनों की ओपेसिटी को 50% तक रख लेना है और देन यहाँ से आपने इसको अब डन कर लेना है। और गाइज यहाँ से डन करने के बाद से आपने फिर ऐड फोटो के ऊपर जाना है
और यहाँ पे आपको मिलेगी एक वाटर की पीएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको क्रॉप कर लेना है, बस इतना सा एरिया आपने रखना है, ठीक है। तो उसके बाद से क्रॉप करने के बाद सब आपने क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड आपने चेंज करके लाइट एन रख लेना है, और फिर यहाँ पे जो आपके बोट पर चलती है तो साइड साइड में पानी उछलता है वो उसी टाइप में हो जाएगा। तो वो आपने यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और आपने यहाँ पे डुप्लीकेट बना बना कर सेट करते जाना है। तो यहाँ पे एक और डुप्लीकेट बनाते हैं। तो ऐसे ही गाइस आपने डुप्लीकेट बना के इसको सेट कर लेना एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे गाइस हमने इसको एकदम परफेक्टली सेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको अब डन कर देते हैं, और उसके बाद गाइस हम फिर ऐड फोटो पे जाएंगे। और यहाँ पे गाइस आपको एक और पीएनजी मिलेगी, तो यहाँ पे इसको ऐड करना है और सिंपली फुल बैकग्राउंड पे करना है, और देन यहीं से एक बार और ऐड फोटो पे जाना है और एक और पीएनजी मिलेगी, आपने उसको भी ऐड कर लेना है और सिंपली उसको भी फुल बैकग्राउंड पे करना है, और देन यहाँ से इसको आपने डन कर देना है। और उसके बाद गाइस आपने अपनी फोटो करना है सेव, और फिर गाइस आपने अपनी फोटो को लाइट रूम में ओपन कर लेना है, और यहाँ पे लाइट्स के ऊपर जाना है, और यहाँ पे कंट्रास्ट को आपने -30 कर लेना है, हाईलाइट्स को -50 रख लेना है, शैडो को 50 इंक्रीज कर देना है, और ब्लैक्स आपने -15 रख लेना, और सॉरी वाइट इज -15 और ब्लैक्स भी। उसके बाद गाइस आपने कलर के ऊपर जाना है, यहाँ पे टेम्प को आपने 6 और यहाँ पे टिंट को भी 6 ही रख लेना है माइनस के, और यहाँ पे मिक्स वाले टूल पर जाना है। यहाँ पे गाइस हम फर्स्ट वाले कलर में चेक करते हैं कि ह्यू चेंज करने पर कुछ अंतर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको गाइस रहने देते हैं, और यहाँ पे आते हैं हम ऑरेंज कलर पे, इसमें सिचुएशन को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे और थोड़ी सी लुमिनस इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपने फिर चले जाना है येलो कलर पे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें आपने लुमिनस को थोड़ा सा माइनस कर देना है, और देन गाइस आपने ग्रीन वाले कलर पे जाना है और इसके यू को आपने माइनस कर देना है। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, नहीं सेचुरेशन माइनस कर देते हैं, ये सही लग रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पर सियन कलर पे जाते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको गाइस हम जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, और यहाँ से गाइस हम अपनी फोटो को डन कर लेते हैं। और उसके बाद गाइस हम नेक्स्ट वाले टूल पर जाएंगे, और यहाँ पे गाइस हम टेक्सचर को इंक्रीज कर देते हैं 30, क्लियरिटी गाइस हम 10 तक रख लेते हैं, और यहाँ पे गाइस डीएच को रख लेंगे हम 10, और गाइस विग्नेट को रख लेंगे -18%। और फिर गाइस हम नेक्स्ट वाले टूल पर चले जाएंगे, यहाँ पे शार्पनिंग को गाइस हम इंक्रीज कर लेते हैं, और यहाँ पे जो गाइस मास्किंग का है तो इसको आपने क्या करना है, एक हाथ से टैप करना है और दूसरे से इसको स्लाइड करना है, और नॉइस रिडक्शन भी आपने थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है। तो गाइस देखिए हमारी फोटो हो गई है फुल्ली कंप्लीट, बिफोर एंड आफ्टर भी आप देख सकते हो। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।